अदृश्य और आंतरिक नियम आपके जीवन में सबसे बड़ा कारण बनते हैं कामयाबी का भी और नाकामयाबी का भी। हेलो, अब तक थे बाह्य नियम, अब है आंतरिक नियम, अदृश्य। और मैंने बिजली को छूने से आपको एग्जाम्पल दे दिया, अदृश्य में ताकत होती है कि नहीं होती। कितने लोगों के कभी ना कभी कोई ना कोई नंगा तार टच हुआ है, सबको पता है ताकत होती है कि नहीं होती है। चरमराहट ऐसा लगता है कि जिधर छूता है उधर 5 दिन तक छूना ही रहता है कि नहीं है। इसका मतलब अदृश्य नियमों में ताकत है। अब जिस चीज को इधर उधर उठने की कुछ हो रही थी ना, अगले 10 मिनट अलर्ट हो जाना। आप एक ऐसी यात्रा पे जा रहे हो जिस यात्रा में पिछले 50 बरस आप नहीं गए होंगे, आप 60 बरस के हो, 70 बरस के हो, वो यात्रा आपने कभी नहीं की होगी। आप 20 बरस के हो और आज इस यात्रा को कर लोगे, ओ हो, मतलब अगले 10 मिनट मैं जो जो स्लाइड्स आपके सामने आप प्रेजेंट करूंगा, अतीत में आप कभी उस यात्रा में नहीं गए होंगे, भविष्य में जाने की संभावना कितनी है मुझे नहीं पता, इसलिए अभी आप और हम वर्तमान में अदृश्य की ताकत कितनी है इस यात्रा को मेरे साथ अगले 10 मिनट करने के लिए तैयार हो जाओ। इधर उधर ध्यान नहीं देना, पूरा ध्यान एकाग्रचित होके, अलर्ट होके, पूरी समग्र ऊर्जा एक जगह पे लगाने की तैयारी, ताकि मैं सेकंड रूल में आपको ये समझा पाऊं कि जिस इंसान ने अपनी जुबान और अपना काम एक कर लिया, अब उसकी पावर आगे से आगे कैसे रेवेन्यू जनरेट करेगी, कैसे अपने सपनों को हकीकत में तब्दील करेगी। अदृश्य नियम, और वो है आंतरिक नियम, और ये है लेटेंट पावर्स, गुप्त शक्तियां। मुझसे बोलिए, गुप्त शक्तियां, गुप्त रोग नहीं, गुप्त शक्तियां, है ना, अर्थ और भावार्थ में फर्क है भाई। गुप्त रोग उनको होते हैं जो गुप्त काम करते हैं, है ना। ये तो बीच में याद आ गया तो आपको बताया, क्योंकि हर कर्म किसी कर्म का फल का उदय में होता है। तो मुझे आपको गुप्त रोग नहीं सिखाना, गुप्त पावर्स जो हजारों वर्षों से इस जीव के भीतर अनंत काल से विराजमान है, मुझे उन लेटेंट पावर्स का सिर्फ आपको छींटे देने। आर यू रेडी? केवल छींटे देने, ध्यान से सुनना भाई। हर एक इंसान जो जीवन है, जो बह रहा है, जो जीवंतता जिसमें है, ओहो, जिसकी वजह से ये चमक है, ये चमक ब्यूटी पार्लर की वजह से नहीं है, या आपके भीतर भी जो चमक है, ये चमक कोई साबुन से नहीं है। जिस चमक की वजह से ये चमक है, जिसकी वजह से ये धमक है, जिसकी वजह से ये शरीर खड़ा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, वो है लेटेंट पावर्स, गुप्त शक्तियां। उन लेटेंट पावर्स को आज याद कर लो, खाली याद कर लो, पाथ देख लो, फिर ट्रिगर आप करना, काम वो करेगी। अगली स्लाइड को ध्यान से पढ़ना मेरे भाई। इच्छा वह आग है जो संकल्प की भाप को जगाती है। पढ़ लिया? अब मेरी तरफ ध्यान दीजिए। इस विश्व की सारे संकल्प जो सिद्धि में कन्वर्ट हुए हैं, उनका ओरिजिन बिंदु का नाम है इच्छा। हेलो, इस विश्व में जितने बड़ी चीजें घटना घट चुकी है, वो संकल्प जो पूरे हो चुके हैं, अतीत में जो जो अब तक पूरा हो चुका है, उन सब के पीछे का रूट कोज उस इच्छा को माना जाता है जो कभी ना कभी किसी न किसी के कलेजे से उठी होगी। ये जो लाइट आप देख रहे हो, किसी के हृदय में तो ये कैसी पीड़ा और समुद्र उठा होगा। उजाला चाहिए। इच्छा वो आग है जो संकल्प की भाप को जगाती है।
आपको चाहिए गाड़ी, आपको चाहिए बंगला, आपको चाहिए नेम, आपको चाहिए फेम, आपको चाहिए सुरक्षा, आपको चाहिए जीवन में सुकून, आपको चाहिए शांति, आपको चाहिए जिंदगी में आराम से बिंदास जिंदगी जिए। अगर ये सब चाहिए और ये अब तक पूरा नहीं हो रहा है तो ये स्लाइड कहती है, इच्छा वो आग है जो संकल्प की भाप को जगाती है। इसका मतलब साली उस इच्छा में अभी आग पैदा ही नहीं हुई जो संकल्प की भाप को जगा सके। वो ही आग, वो ही इच्छा संकल्प की भाप बनती है जिसमें आग पैदा होती है, जिसमें आग पैदा होती है। मतलब केवल इच्छा नहीं, स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर, एक ऐसी इच्छा जो आग के शोलों जैसी उगले, ऐसी इच्छा मानव पूरी कर पाता है। अनंत काल का इतिहास है इस जीव का, जिसने इतने प्राणों से उठी हुई, इतनी उत्कंठा से उठी हुई एक सजीव शक्ति के रूप में महान, गंभीर, ज्वलंत, उत्कंठ इच्छा के साथ, दोबारा पढ़ रहा हूं ध्यान से, एक सजीव शक्ति के रूप में अगर मेरे भीतर एक महान, गंभीर, ज्वलंत और उत्कंठ इच्छा अगर उठ गई, तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, एक सजीव शक्ति के रूप में मेरे भीतर अगर एक महान इच्छा, एक गंभीर, एक उत्कंठ और एक ज्वलंत इच्छा उठ गई, तो मेरे भीतर दूसरी मानसिक हवाओं को बुलाने की ताकत आ ही जाती है। ये मेरे का मतलब है, हम सब जो सजीव शक्ति हैं उन सब के भीतर वो इच्छा कितनी ज्वलंत है और कितनी उत्कंठ है, इस अनुपात में दूसरी मानसिक हवाओं को बुलाने की ताकत इस सजीव के भीतर ऑलरेडी है। एग्जाम्पल, आपके पास में 100 किलो वजन का पत्थर पड़ा हो और आपको कोई बोले भाई इसे उठाओ, तो 100 कारण होंगे जो शरीर कहेगा ये मेरे से नहीं उठ सकता। कितनी गवाहियां देगा दिमाग के तेरे से नहीं उठ सकता। ओके, एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, ये पत्थर आपके पांव के ऊपर गिर जाए, ये पत्थर आपके पांव पे गिर जाए और आसपास में कोई भी नहीं हो, अब मैं आपसे पूछता हूं ये उठेगा कि नहीं उठेगा? अरे बहुत कम वजन बोला है, मैं कह रहा हूं ये 2000 किलो भी होगा ना, इसे साले को उठना ही होगा, क्योंकि एक सजीव शक्ति के आधार पर आपके भीतर दूसरी मानसिक हवाओं को बुलाने की ताकत भगवान ने ऑलरेडी दी है। आप एक सजीव शक्ति हैं भाई, और अगर इसका वजन 2000 किलो हो और बच्चा इसके नीचे दब जाए और वहां कोई नहीं हो, एक पिता जिसका शरीर जवाब दे गया, इस पत्थर को मां कसम उठा देगा। क्यों उठा देगा? जिस अनुपात में इच्छा ज्वलंत होती जाएगी उस अनुपात में उत्कंठ होती जाएगी, आपका ड्रीम उतना ही नजदीक आता जाएगा, उसे पूरा करने की ताकत पूरी कायनात आपके भीतर भेजेगी और हवाएं बुलाएगी। अगली लाइन, यहां तक कि तीसरी मानसिक हवाएं, चौथी और पांचवी हवाएं भी, वजन बढ़ाते जाना और इच्छा की ज्वलंता बढ़ाए जाना आपके भीतर से ही आएगी और कहीं से, आपके भीतर से आएगी। 1000 गज महीने में बेचने का अभी कारण नहीं है, जिस दिन कारण पैदा हो गया उस महीने आप 5000 गज बेच दोगे, कसम पैदा करने वाले की वो इच्छा की आग उसकी डेंसिटी तय करती है। संकल्प की भाप कब बनती है? संकल्प की भाप पैदा होती तब है जब इच्छा की आग बढ़ती है। समझ में आ रहा है? अगली लाइन, ये आंतरिक शक्ति के एक स्तर को दूसरे के बाद तब तक चालू रखती है
तब तक संचारित करती है जब तक हम मानसिक चमत्कार नहीं कर देते। कब तक? 9 डेसिबल दर्द पे इंसान मरेगा। और गर्भवती मां की हवाएं तब तक साथ देती हैं जब तक 12 डेसिबल दर्द को वो क्रॉस नहीं करती। ये है मानसिक स्तर की हवाओं का चमत्कार। एक सजीव शक्ति के रूप में उठी हुई इच्छाएं। मेरी सारी बातों में से कुछ भी अगर समझ में नहीं आए और भारी लग रहा हो, सिर्फ एक बात याद रखना, जिस दिन आपकी इच्छा आग बरसाने लगेगी, संकल्प की भाप उसे पूरा करने के लिए आपको ही ताकत देगी और प्रकृति उस इच्छा को मूर्त रूप में आपके सामने प्रकट करके रख देगी। अगली स्लाइड। 500 वर्षों से, कितने बरस बोले भाई, 500 वर्ष, मैं 500 वर्ष बोला रे, 500 वर्ष पहले इस भारत की चेतना के अस्तित्व को इस जगह से उखाड़ फेंक दिया था किसी ने। वो 500 वर्ष पहले कोई राजनीति थी क्या? कोई पॉलिटिकल पार्टियां थी क्या? कोई चुनाव का मौसम था क्या? 500 वर्ष पहले उठी हुई इच्छा की आग 500 सालों तक जलती रही भाई, 500 वर्षों तक, क्योंकि भारत वर्ष की चेतना और उसका अस्तित्व श्री राम से कनेक्ट है। और वो इच्छा आग संकल्प की भाप उसे पूरी होने से पूरे विश्व की कई ताकतों ने ताकत लगा ली। और अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे 100 बरस और खिंच जाएंगे, लेकिन जब किसी की काललब्धि पकने का टाइम आ जाता है, कायनात फिर व्यवस्थाएं करती है, ऐसा व्यक्ति निर्धारित करती है, ऐसी जनता, ऐसे लोग, ऐसे संगठन, ऐसी ताकतें, पूरी कायनात मिलकर 500 सालों की उठी हुई इच्छा की आग को संकल्प का परमाणु बम बनाकर एक पत्थर जो निर्जीव है, हेलो, अभी निर्जीव है वो भाई, अभी निर्जीव है, और जैसे ही 2 फीट लंबी सोने की छड़ी उस पत्थर के शरीर से टच करके 140 करोड़ लोग जब ये बोलते हैं अस्से प्राणः प्रतिष्ठन्तु, अस्से प्राणः शरन्तु चे, अस्से देवत्वमर्चाय माम हेति च कश्चन, राम जी विराजमान हो गए और देश में 500 सालों की इच्छा की आग संकल्प से सिद्धि में कन्वर्ट हो गई। इससे बड़ा एग्जाम्पल वर्तमान में किसी उठी हुई इच्छा की आग संकल्प के भाप बन के उसका अस्तित्व वापस आ जाएगा, इससे बड़ा एग्जाम्पल अभी क्या होगा भाई। 500 बरस, लाखों 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 चेतनाएं, अरे रे, मरकर भी ये सोचती रही मरने से पहले राम जी को यहां विराजमान देख लें। एक ऐसा राष्ट्रपुरुष, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर क्षेत्र में पूरी मानवता के लिए आदर्श है, उसका बचपन अलग आदर्श है, उसका नवयुवक होना अलग आदर्श है, उसका पति होना अलग आदर्श है, उसका भाई होना अलग आदर्श है, उसका पिता होना अलग आदर्श है, उसका राजा होना, वो जिस रोल में था मानवता के लिए, ये व्यक्ति, ये इंसान, ये महापुरुष, ये भगवत्ता को प्राप्त चेतना इस देश के करोड़ों करोड़ों वर्षों की चेतना के अस्तित्व से जुड़ी ही रहेगी। इस आग को भी पूरा होना ही पड़ा संकल्प की भाप से। एक निर्जीव में सजीव आत्मा डाली जा सकती है अगर आपकी चेतना अपने संकल्पों को पूरी करने में लगे। साला प्लॉट बेचना, प्लॉट बेचना, आप हाहाकार मचा दोगे मार्केट में, तूफान मचा दोगे, त्राहिमाम मचा दोगे रोकड़ा कमाने में, और लोगों को अपने घर का सपना पूरा करने में आप साधक बन जाओगे, माध्यम बन जाओगे। सिर्फ इच्छा की आग को संकल्प
की भाप में कन्वर्ट करना है. आर यू रेडी? क्या तैयार हो?